हे गाइस, वेलकम बैक टू एमडीआर। और आज मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक कम्प्लीटली न्यू 2.1 होम थिएटर बोर्ड, और ये बेस्ड है 4440 आईसी पर। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया है और इसकी जो मैंने कॉस्ट पे की है वो है 650 रुपीज़, 650 रुपये में मैंने इसको खरीदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें 3 आईसी यूज़ की गई हैं बेसिकली, जिसमें से हम 2 आईसी से स्पीकर चलाएंगे, लेफ्ट एंड राइट स्पीकर, और 1 आईसी से हम सब ऊपर चलाएंगे। तो इसमें यहाँ पर लो पास फिल्टर सेक्शन ये रहा। अभी हम इसको देखते हैं, हम वायरिंग करेंगे इसकी पूरी और क्या क्या हमें इसमें मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें इसमें ये यूज़र मैनुअल मिला है इसके साथ, और इसकी हेल्प से वायरिंग करना बहुत ईजी होगा। कोई भी इसकी हेल्प से इसकी वायरिंग कर सकता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक, आप कैसे इस पेपर की हेल्प से, जो हमें यूज़र मैनुअल मिला है इसकी हेल्प से आप कैसे वायरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 1 2, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में पूरा मार्क किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये 1 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ये है 1 और ये है 2, सब ऊपर नेगेटिव एंड सब ऊपर पॉजिटिव, यानी कि 1 से हमें नेगेटिव मिलेगा और 2 से हमें सब ऊपर का पॉजिटिव मिलेगा। तो हमें इस वायर में सब ऊपर कनेक्ट करना है और यहाँ पर हमें स्पीकर्स कनेक्ट करना है। 3 4 5 6, 3 4 5 6 पर हमें लेफ्ट चैनल और राइट चैनल कनेक्ट करना है। फ्रेंड्स, वैसे तो आप इसके कनेक्शन बड़ी इजीली कर सकते हैं इस यूज़र मैनुअल के थ्रू, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। अगर आप ये बोर्ड परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो वायर है, ब्लैक वाला वायर, यहाँ पर आपको सब वूफर कनेक्ट करना है। आप पिन नंबर को आइडेंटिफाई करके पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 स्पीकर्स कनेक्ट करने हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर जो कनेक्ट हुआ हुआ है, ये मेन वॉल्यूम को कंट्रोलर, ये मेन वॉल्यूम कंट्रोलर है, और यहाँ पर ये जो वायर हमारे पास है ये ऑडियो इनपुट है। इससे इसको हम ब्लूटूथ किट से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑडियो इनपुट आप इसे ऑक्स से भी डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर इसमें बेस और ट्रेबल कंट्रोलर ऑलरेडी लगे हुए आपको मिलते हैं, पिन देखकर भी आप इसमें कनेक्शंस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ये डीसी 12 वोल्ट डीसी कनेक्ट करना है। रेड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और ब्लैक को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और ये जो हमारे पास कनेक्टर है ये 5 वोल्ट डीसी आउटपुट के लिए है, ताकि हम ब्लूटूथ पैनल को कनेक्ट कर सकें। तो मैं जल्दी से आज को आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ कंप्लीट स्पीकर्स के साथ, और इसकी हम परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं वायरिंग कर चुका हूँ पूरी। मैंने ये 2 स्पीकर्स कनेक्ट किए हैं फ्रेडो के 4 इंच के, इसमें ये 1 एमपीएस का वूफर कनेक्ट किया है 8 इंच का, ये मैंने ब्लूटूथ किट के कनेक्शंस किए हैं इसमें। और ये हमारे पास है बेस कंट्रोलर वूफर के लिए, ये है हमारे पास ट्रेबल कंट्रोलर स्पीकर्स के लिए, बेस कंट्रोलर स्पीकर्स के लिए, और ये हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोलर है। ये मैंने इसको अभी 12 0 12 5 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर से मैंने इसको कनेक्ट किया है, जिसमें से मैंने सिर्फ 12 0 यूज़ किया है, ये एक साइड वाला 12 यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो हम इसे सिंपल एक 12 0 ट्रांसफार्मर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम इस एम्पलीफायर की वॉल्यूम टेस्ट करें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जब भी किसी एम्पलीफायर का रिव्यू करता हूँ, किसी भी एम्पलीफायर की हम साउंड टेस्ट करते हैं, तो उस एम्पलीफायर को पहले मैं पर्सनली टेस्ट करता हूँ कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा ही मैंने इस एम्पलीफायर बोर्ड के साथ भी किया, और इसमें हुआ क्या, मैंने इस एम्पलीफायर को चलाया कुछ टाइम के लिए, मैंने इसको चलाया और मैं दूसरे कुछ काम करने लगा, तो सडनली इसमें एक ब्लास्ट हुआ छोटा सा, और मैंने इसमें ध्यान से देखा तो इसमें एक कैपेसिटर यहाँ पर फट गया, ठीक है। और ये जो दूसरा कैपेसिटर भी है, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा ये भी फट जाएगा। क्यों, उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये जो कैपेसिटर फटा है, तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देखें, इसमें व्हाइट कलर से ये यहाँ पर मार्किंग लिखी हुई है, तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 1000/25, ठीक है, 1000/25, यानी कि यहाँ पर एक 1000 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का कैपेसिटर हमें लगाना है। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखें, यहाँ पर जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, मैं आपको इसकी जो फटा है वो भी दिखा देता हूँ। ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ था जो फटा है, और इसकी जो वैल्यू थी वो अगर आप ध्यान से देखें तो ये थी 1000 माइक्रोफेरेड 16 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 25 वोल्ट का यहाँ पर कम से कम कैपेसिटर होना चाहिए था, और जबकि यहाँ पर ये 16 वोल्ट का लगा हुआ था सिर्फ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये दोनों कैपेसिटर जो हैं वो रिप्लेस करने वाला हूँ, और इनकी जो वैल्यू है वो मैंने 1000 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट ली है, ये देखिएगा, ठीक है। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, और उसके बाद हम इसकी वॉल्यूम को, इसकी जो साउंड है उसको टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पावर ऑन करने वाला हूँ यहाँ से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पावर ऑन की है और इसमें नॉइज है, काफी नॉइज है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ठीक है। और ये जो साउंड आ रही है, अभी जो नॉइज आ रही है, ये ब्लूटूथ किट की वजह से है। हम इसको एक बार ऑक्स केबल के साथ भी चेक करेंगे। तो चलिए, पहले हम ब्लूटूथ को पेयर कर लेते हैं अपने फोन के साथ।
तो अभी हमारा फ़ोन जो है वो इसके साथ पेयर हो चुका है, और मैं यहाँ से एक बार इसकी साउंड को कम कर देता हूँ क्योंकि इसमें नॉइज़ काफ़ी आ रही है। तो मैंने इसकी जो वॉल्यूम है उसको कम कर दिया है, और अब हम कोई सॉन्ग इसमें प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये सॉन्ग इसमें प्ले करने वाला हूँ। तो अभी मैंने वॉल्यूम को भी ज़ीरो कर दिया है और वूफर की बेस को भी ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं वॉल्यूम को पहले यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको एक बार फ़ोन में वॉल्यूम का लेवल भी दिखा देता हूँ। फ़ोन से हम वॉल्यूम के लेवल को फुल कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो एक नॉइज़ आ रही है और जो काफ़ी इरिटेटिंग है, सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर भी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बेस बढ़ाऊंगा और बूफर को मैं आपको पास से दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, इस टाइम मैंने बेस को फुल किया हुआ है और ये इसका रिस्पॉन्स है वूफर का इसमें। तो इसमें काफ़ी इरिटेटिंग सो नॉइज़ आ रही है जो बहुत ही अजीब सी लग रही है, और अगर हम देखें 650 रुपये में अगर हमें ये नॉइज़ मिले तो मैं नहीं मानूंगा कि आपने अपने पैसे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। मे बी अगर हम इसे एक बैटरी से चलाएं तो हम इसको सही से चला पाएंगे, उसमें नॉइज़ कम हो जाएगी ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं आप रिकमेंड करूँगा, जो भी लोग एक बैटरी से होम थिएटर चलाना चाहते हैं, 2.1 होम थिएटर बनाना चाहते हैं जो कि 12 वोल्ट बैटरी से चले, तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कनेक्शन कहाँ करने हैं आपके, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। अगर आप इसको बैटरी से चलाना चाहते हैं तो ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, आप ये एसी वाले जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन किए हैं हम उसको हटा दीजिए। ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, बैटरी में दो कनेक्शंस होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और इस कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि ऊपर वाले टर्मिनल पर आप पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, और नीचे वाले टर्मिनल पर आप नेगेटिव कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ, और ऐसे आप इसको बैटरी से चला सकते हैं। इसमें आप 2.1 होम थिएटर बना सकते हैं जो बैटरी से चलेगा। फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, मैंने इस किट को बैटरी से भी ऑपरेट करके मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें अगर हम बैटरी से चलाते हैं इसको तो कितनी नॉइज़ आती है, और अगर हम ट्रांसफार्मर से चलाते हैं तो कितनी नॉइज़ आती है। तो अभी मैंने इसके कनेक्शंस किए हैं, सिर्फ इसको मैंने हटा के, जैसा मैंने आपको बताया था आपको दो वायर इस कैपेसिटर के उसमें ऐड करने हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव सोल्डरिंग कर दी है वायर्स की, ठीक है। और ये मैं ब्लैक जो है वो नेगेटिव के लिए और रेड जो है मैं वो पॉजिटिव से कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और हम देखेंगे कि इसमें कितनी नॉइज़ आ रही है। तो आप देख सकते हो इसमें नॉइज़ आती है। हमारी ब्लूटूथ किट भी चल चुकी है और इसको मैं इस फ़ोन के साथ पेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम नॉइज़ आ रही है इसमें कंटिन्यूसली अभी भी, तो हम इसमें एक सॉन्ग प्ले करके देखते हैं।
तो अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम को कम कर देता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, तब भी ये एक नॉइज़ आती रहती है, ठीक है, ये नॉइज़ आती रहती है। और लेकिन अब ये देखिए, ये मैंने ये बेस कंट्रोलर है, इससे इसमें नॉइज़ इंट्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं इसको नीचे रखता हूँ तो इसमें नॉइज़ आने लगेगी, ठीक है। अगर मैं इसको पिक कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें से नॉइज़ चली जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इसको बैटरी से चला रहे हैं तो आप इसमें से नॉइज़ बिल्कुल हटा सकते हैं। नॉइज़ हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो किट है इसको एक प्रॉपर बॉक्स में लगाना होगा, और ये जो वायर्स हैं बिल्कुल उतने ही लेंथ के यूज़ करने जितना वायर हमें चाहिए होगा। ज़्यादा लंबे वायर्स नहीं रखने हैं, जैसे बेस कंट्रोलर्स वगैरह के वायर्स हैं, ये जितने भी वायर्स हैं जितने की ज़रूरत है सिर्फ उतना लगाएंगे। और जो बॉक्स आप लेंगे एम्पलीफायर को लगाने के लिए, वो आप एक मेटल का बॉक्स लेंगे, तो ऐसे आप इसमें से नॉइज़ हटा सकते हैं। अब मैं रिकमेंड करूँगा ये किट सिर्फ उन लोगों को जो कि बैटरी से चलाना चाहते हैं 2.1 होम थिएटर, ठीक है। 2.1 होम थिएटर जो बैटरी से चलाना चाहते हैं वो इसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर से चलाना चाहते हैं वो इसको परचेज़ ना करें। और अगर आप ये किट खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं।